तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो है हमारे चैनल को 10K सब्सक्राइबर तक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अपना जो है चैनल का फैमिली अब जो है 10K हो चुका है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, और एक चीज़, मेरा जो है गूगल एडसेंस की तरफ से पिन वेरिफिकेशन वाला लेटर भी जो है वो भी यहाँ पर आ चुका है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर पिन का वेरीफाई भी जो है कर लिया है। ठीक है, गूगल एडसेंस से जो आया था। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है आप किस तरीके से अपने पबजी मोबाइल का जो मैप है, बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल का, ठीक है, मैप जो है वहाँ पर डाउनलोड, जिन लोगों का जितना सारा मैप था वहाँ पर जो है ग्लीच की वजह से, एक ऐसा ग्लीच हो चुका है वहाँ पर, मैप जो है दोबारा डाउनलोड के लिए दिखा रहा है और वहाँ पर मैप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। बहुत ही जो है दिक्कत दे रहा है, अब डाउनलोड वहाँ से नहीं हो पा रहा और काफ़ी लोगों का यही समस्या कंटिन्यू है। ठीक है, तो किस तरीके से इसे जो है फिक्स करना है, वहाँ पर जो है पबजी के अंदर एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है, वहाँ पर नोटिस नोटिस की तरह किस तरीके से उसे फिक्स कर पाएंगे वो जो है थोड़ा सा जो है आउटसाइडेड, ठीक है, वो जो है मुझे सही नहीं लगा। तो मैं जो है आपको सिंपली शॉर्टकट तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप करोगे, वो जो है आप उस तरीके को भी फॉलो करके कर पाओगे। अगर आपको जानना है उस तरीके को कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। लेकिन इस फिलहाल इस वीडियो में आपको छोटा सा तरीका बताऊंगा जिससे आप सिंपली फिक्स कर दोगे। ठीक है, कोई भी एरर वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं किस तरीके से आप इसको फिक्स करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाकर रेड कलर का बटन मिलेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जो भी इसी तरीके का वीडियो लाऊँ वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और जो है मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप देख लेना। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको मोबाइल का स्क्रीन दिखा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो अपना यहाँ पर पबजी ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर जो इवेंट के ऊपर यह नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के थ्रू भी आप जाके इसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए मेरा यहाँ पर जो है एरिना का जितना मैप है यहाँ पर देखिए सारा डाउनलोड था, यहाँ पर नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल डाउनलोड नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है यहाँ पर, कोई भी मैप है डाउनलोड। और जो क्लासिक का यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास तीन मैप थे, लिविक, मीरामार, ठीक है, यहाँ पर जो है फिलहाल एक ही दिखा रहा है, वो भी डाउनलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन सारों को किस तरीके से हमें फिक्स करना है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देख लीजिए यहाँ पर कोई भी डाउनलोड वगैरह नहीं हो रहा है, इंडियन सर्वर यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कोई भी मैप यहाँ पर डाउनलोड नहीं है। ठीक है, ये जो है 0.1 MB वाला शो कर रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपको करना क्या है, आपको जो एक फाइल मैनेजर का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है एक्सप्लोर। ठीक है, तो आप इसे जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसे प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको जो है सिंपली ये वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, एक्सप्लोर लिख लेना है। ये ऐप इसलिए यूज करना है कि दोस्तों हमारा जो फाइल मैनेजर है, हमारे मोबाइल के फाइल मैनेजर पे जो है डेटा फोल्डर का जितना भी फाइल्स होता है वहाँ पर शो नहीं करता, जिन लोगों का शो करता है उनका सही है। ठीक है, तो यहाँ इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना है, जो भी परमिशन वगैरह मांगेगा यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको सिंपली एंड्रॉयड वाले फोल्डर पे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद आपको सिंपली डेटा वाले फोल्डर पे चलना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटरनल पे आ जाता हूँ, इंटरनल पे आने के बाद आपको एंड्रॉयड वाले फोल्डर पे चलना है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए एंड्रॉयड, इसके बाद जो है आपको चलना है डेटा वाले फोल्डर पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये बार रहा डेटा फोल्डर, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही इतना सारा ओपन हो जाएगा आप कहेंगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ से com.pubg.iimage बोल के एक फोल्डर आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए com.pubg.imobile, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए इस तरीके से, देख लीजिए यही वाले फोल्डर को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक फाइल्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसे भी ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ ओपन करने के बाद उसके UE फॉर गेम वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, आपको इसे ओपन करना है, तो मैं ऐसे इसे ओपन कर देता हूँ। उसके बाद आपको
शैडो ट्रैकर एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये वाले ऑप्शन को यहाँ से ओपन करना है। फिर से जो है शैडो ट्रैकर एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन को ऑन करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक सेव बल के ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आपको उसे ऑन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पैक्स बल के फोल्डर आ जाएगा, तो आपको जो है यहाँ से ओपन करना है उस फोल्डर को, ठीक है। पैक्स वाले फोल्डर को ओपन करते ही आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे डेटा दिख जाएंगे। तो आपको जो है यहाँ पर तीन ही चीज़ों को डिलीट करना है। यहाँ पर देख लीजिए गेम पैच लिखा हुआ है, ठीक है, गेम पैच 1.4.0 यहाँ पर तीन दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो है इन्हीं तीनों को यहाँ पर डिलीट करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए और इसका साइज भी देख लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप एक ही बार में इसे डिलीट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक है 491, दूसरा है 232 KB का, ओके, और तीसरा है 3.2 KB का। तो इसी प्रकार से तीन है, आपको इन्हीं तीनों को जो है ऐसे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इसे जो है डिलीट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप डिलीट करेंगे तो आपका जो है होगा, आगे जो भी प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। तो मार्क करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर राइट साइड पे टिक मार्क होगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए तीनों यहाँ पर मार्क हो चुका है। मार्क होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डिलीट वाला बटन देखने को मिल जाएगा, ये रहा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, फिर जो यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। डिलीट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार रीसेंट से जो है अपने पबजी को हटा लेना है, ठीक है, मैं हटा देता हूँ। उसके बाद जो है दोबारा आपको बैटल ग्राउंड इंडिया को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करते दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा जो है डाउनलोड हो के ऑलरेडी है, सिर्फ वो ग्लीच की वजह से वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो अब जो है अपना जितना भी डाउनलोड होगा वो वहाँ पर हमें शो कर देगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पबजी ओपन होने देते हैं। और दोस्तों जिन लोगों का फाइल मैनेजर से हो जाता है ये वाला, ठीक है, सही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 0.7 MB का एक छोटा सा अपडेट लिया, अपडेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है ओपन इस तरीके से होम पेज पे आ जाएगा। तो आपको जो है दोबारा फिर से यहाँ पर जो है आपको अपने पबजी को जो है यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिक मैप जो है ऑलरेडी डाउनलोड नहीं, एक्चुअली में वो डाउनलोड हुआ था, उस ग्लिच की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे आप मरेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो देख लीजिए मेरा यहाँ पर क्लासिक एरिना का सारा मैप जो है यहाँ पर डाउनलोडेड है, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, उस तीनों फोल्डर को जो वहाँ से रिमूव कर देना है, फिर जो है आपका जितना भी मैप्स वगैरह होगा यहाँ पर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो है तो इस तरीके से दिखा रहा है। तो यहाँ से आप दोबारा डाउनलोड करना चाहें तो जो भी मैप को चाहें यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से डाउनलोड स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको कोई भी परेशानी नहीं हो गई इसे करने में, क्योंकि छोटा सा तरीका है। और जिन लोगों के पास फाइल मैनेजर पे नहीं वर्क कर रहा है, वो जो है वहाँ पर जेड अचीवर या फिर अलग फाइल मैनेजर जिस पे भी डेट एंड्रॉयड के अंदर का जो डेटा फोल्डर होता है वो अगर शो करे तो आप जो है किसी से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा एरिना का सारा मैप यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, और दो नहीं था तो मैं उसे भी डाउनलोड यहाँ पर मार देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर कम्प्लीटली आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बना सकूँ इसी तरीके का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज की वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको फेस कैम वीडियो नहीं दिखा सकता, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। तो चलिए आज का टॉपिक डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं।